अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। भूतेश्वरा शान दंड चूल चंड अवंड मंड दंड खंड रुद्र क्षुद्र धर्म पद्म है नगेन पिशाचिनी। मुझे छोड़ दो। इस कामदेव को बंधन से मुक्त कर दो। मुझे मुक्त करो, मैं माया की माया जाल में नहीं फंसना चाहता। मुझे छोड़ दो, मैं माया की माया जाल में नहीं फंसना चाहता। मुझे मुक्त कर दो, मुझे छोड़ दो। आज तेरा भोग लेना ही पड़ेगा। मुझे मुक्त कर दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे मुक्त कर दो। जय भूतेश्वर। जागो कापालिनी नमः, 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 जागो कापालिनी नमः। इनी आ जाओ। मोहिनी आ जाओ। आ जाओ मोहिनी। आ गई मोहिनी। रुक जाओ मोहिनी, अमावस्या की रात को तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। सोहिनी। जी स्वामिनी। ले जाओ उसे। मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। मोहिनी सोहिनी, कापालिक के भोग का समय हो गया है, जाओ भोग की तैयारी करो। आइए आइए ठाकुर साहब, आपका भाई। मैं तो कब से खड़ा हूं, तुम अपने आप में ऐसी खोई हुई थी कि हमें देखा ही नहीं। ये आग ही कुछ ऐसी है ठाकुर साहब, जब लगती है ना तो आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, हर तरफ सिर्फ रंग ही रंग नजर आते हैं। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए, हर पूनम की रात आपको ये आग लगती ही है, और फिर भी घने जंगलों में जंगली जानवरों के बीच आप यहां तक अपनी आग बुझाने चले ही आते हैं। तो इससे पहले कि आग हमें जलाकर राख कर दे, कुछ बारिश हो जाए। सब्र करिए ठाकुर साहब, सब्र करिए। चलिया आओ। आ गई।
लीजिए ठाकुर साहब, ये रही आपकी नई नवेली दुल्हन। बहुत खूब माया, बहुत खूब। आओ मेरी जान। ये है माया का माया जाल। जो भी इसके जाल में फंसता है कभी बचकर निकल नहीं सकता। मौत। अभी काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे लाश, इसकी लाश देखकर तो ऐसा लगता है कि ये काम किसी शैतानी आत्मा का है। क्या बात करते हो, आज देश 21वीं सदी की ओर जा रहा है और तुम भूत प्रेत और प्रेतात्मा की बात करते हो। मुझे तो लगता है कि ये काम किसी जीते जागते इंसान का है जिसने पहले और बाद में इसकी हत्या कर दी। अब तो इस गांव में पुलिस का होना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ। क्या बात है, तुम लोगों को पुलिस की जरूरत क्यों पड़ने लगी? जी वो हम ठाकुर के गांव की रक्षा करने के लिए किसी से कम है? नहीं, अपनी सारी चिंता हम पर छोड़ दो। कल ही बड़े ठाकुर ने महापूजा करने की योजना बनाई है, उसके बाद इस गांव में खुशहाली खुशहाली छा जाएगी। बस अब इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो, चलो ले जाओ इसे। हाँ जी, उठाओ उठाओ उठाओ, संभाल संभाल संभाल। ठाकुर साहब की जय। ठाकुर साहब की जय। ये क्या देख रहे हैं हम, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। गांव के ठाकुर पूजा करने आए और मंदिर के दिए नहीं जले, ये अनहोनी कैसे हुई? काय पुजारी, पकड़ कर लाओ हमारे सामने। आए मेरी जान, बच के कहाँ जाएगी पुजारी की बेटी? हे भगवान, कहाँ जाओ? हे भगवान, कहाँ जाओ? ओरे ठाकुर, ले जाओ इसे। नहीं, चल, नहीं। चल पुजारी की बेटी। नहीं, नहीं छोड़ दो मुझे। जय भूतनाथ। मैं
नहीं चंपा बेटी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपने बूढ़े बाप को छोड़कर नहीं जा सकती बेटा। अरे गांव वालों, तुम्हारे सामने मेरी बेटी मर गई और तुम खड़े तमाशा देखते रहे? नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। बाबा, अपनी बहन के गुनहगारों को ऐसी मौत दूंगा कि उनके पुरखों की रूह भी कांप उठेगी। कौन है, कौन है तू? जवाब दे वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगी। मुझे नहीं पहचानती? पहचान मुझे, मैं तेरी मौत। तो सुन, तुम्हारी इस प्रेत योनि में भी मैं तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। तू क्या समझती है, तू अपनी इन शैतानी शक्तियों से मेरी इज्जत नीलाम करवा कर चैन से रहेगी? नहीं, कभी नहीं। मैं तुझे तिल तिल तड़पा तड़पा कर मारूंगी। भूतेश्वरा, कहाँ गई? हे कपालिक, कहाँ गई? जागो कपालिक। अरे क्या कर रहे हो? चूड़ी वाला आ गया, चूड़ी वाला आ गया। सात रंग की चूड़ी लाया, रंग बिरंगी चूड़ी लाया। ले लो ले लो। अब आए तू दिल्ली से, मेरी चूड़ी ला के ला। नहीं लाया होगा ना तो शुक्रवार की कसम तेरी जान ले लूंगी। ओहो चंदा, ये सारे के सारे थारे ले लाया हूँ, देख लाल पीली नीली। अगर तू कहे तो अपने हाथों से तुझे पहना दूँ। ले पहना दे। ओ जल्दी कर, ओ दड़िया जल्दी कर ना, तेरी तो मैं। अरे बचाओ, अरे अरे चूड़ियां, दिल्ली से मंगवाई अनोखी चूड़ियां, ये सात रंग वाली सतरंग।
पहनने का बहुत शौक है तुझे, हम ठाकुरों को ये चूड़ियां तोड़ने का बहुत शौक है। मुझे चूड़ियां बचाने का बहुत शौक है। लाखन पर हाथ डालने का मतलब समझते हो? मतलब मैं समझाता हूं, छोड़ चंदा को। या की नजरों के सामने मत आना वरना थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा, अब रोज देखोगे। तुम्हारे गांव में रहने आ गया हूं मैं। हमारे गांव में? हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर हूं। मैंने भी उस आत्मा को नाश करने की शक्ति प्राप्त कर ली है, अब मैं उस आत्मा को पिंजरे में बंद कर दूंगी। इस गांव में हमारा और एक दुश्मन पैदा हो गया। हाँ, वो पुलिस वाला है, उसे तुम निपटो। उसे तुम गोली से मार दो या कुछ भी कर दो, उस पर शैतानी शक्ति इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। अब तुम जाओ, क्योंकि जब मैं उस आत्मा को पिंजरे में बंद कर दूंगी तब जाकर मुझे शांति मिलेगी, मुझे खुशी मिलेगी, मेरी प्यास बुझेगी। अब तुम जाओ यहां से, मुझे मेरी प्यास बुझानी है, मुझे मेरी प्यास बुझानी है। अमर भैया, अमर भैया, कसम है मंगलवार की, मैं कब से आपसे बोल रही हूँ और आप भी मेरी बात से ध्यान नहीं देते। भैया खाना रख दिया है, फिर ये मत कहना कि हमारे गांव में अच्छा खाना नहीं मिलता है। दरअसल बात तो ये है कि खाना भी अच्छा मिलता है और खाना बनाने वाले भी अच्छे है, जैसे कि मैं। जब मैं अच्छी हूँ तो खाना अच्छा ही होगा ना। हाँ हाँ होगा, अब तुम जा सकती हो, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है जाती हूँ, खाना खा लेना। इंस्पेक्टर, आपने हमारे गांव में पुलिस स्टेशन खोला और हमें बुलाया तक नहीं। आपकी तारीफ। अरे आप इनको नहीं जानते हैं, ये तो इस गांव के राजा है, राजा ठाकुर शमशेर सिंह। आइए आइए, घुस जाइए। तो आप हैं ठाकुर साहब। ये पुलिस स्टेशन आप जैसे महापुरुषों के लिए ही तो खुला है, वैसे भी मैं आप ही का इतिहास पढ़ रहा था। इतिहास तो भूतकाल की बात होती है इंस्पेक्टर, आपको तो भविष्य के बारे में सोचना चाहिए।
हिम्मत वाले अपना भविष्य खुद बनाते हैं ठाकुर साहब। अरे वाह, अच्छा बोल लेते हो इंस्पेक्टर, लेकिन बोलने से पेट नहीं भरता। उम्र में छोटे हो इसलिए एक सलाह देता हूँ कि अपने कानून का राज तुम अपने इस पुलिस स्टेशन की चार दीवारी में चलाओ। गांव में हमारा राज चलने दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं वही सलूक करूंगा जो एक राजा दूसरे राजा से करता है। ये नौटंकियों वाली भाषा मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए ठाकुर साहब। बेहतर होगा कि आगे से आप सोच समझ कर कदम उठाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई कदम कानून के शिकंजे में आ जाए। हमें चुनौती देते हो, हमें ठाकुर शमशेर सिंह को? देखो, ज्यादा पंख फड़फड़ाने की हिमाकत मत करना। बस ठाकुर साहब, इतना ही काफी है। आज पहली मुलाकात है, और अगर ज्यादा गर्मी हो तो जाइए, हवेली में आपके चमचे पंखा लिए इंतजार कर रहे होंगे। चलिए सरकार चलिए, ये आपको पहचानता नहीं। जिस दिन पहचान लूंगा उस दिन मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल में तुम आओगे। ठाकुर साहब, आइंदा पूछ कर अंदर आइएगा। मौत कभी पूछ कर नहीं आती इंस्पेक्टर। तू तो सुनो है, तू तो भोदू है, तू तो गोल गब्बा है, तू तो घासलेट का डब्बा है। काका काका, तू सभी काम उधर ही करता है। यही तो मेरा धंधा है। छोड़ यार। अरे कमाल है। भाई काका, ये तुम्हारी दुकान पर छोरियां भी दाढ़ी बनवाने आती है। अरे बेवकूफ, ये तो मेरी लाडली बेटी है। चाबी लो बापूजी, मैं काम पे जा रही हूँ। गांव की छोरी और इतनी गोरी, सारा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ए, बैठ नीचे बैठ। ओ चौधरी के चांद, नाम क्या है छोड़ी तेरा? हूँ लैला। ए पाला, लाइन मार रहा है। लैला टांगे वाली। लैला टांगे वाली? तो मैं मजनू, मजनू रिक्शा वाला। अरे तू क्यों जोश खा रहा है? बेटी, इन दोनों की नजरें ठीक नहीं है। सुजा, मैं दोनों की हजामत कर डालता हूँ थूक लगा के। थू थू थू। रहेगा तो कानून ही, और अब ये फाइल कभी बंद नहीं होगी। पुजारी काका, मैं आपकी बेटी की फाइल पढ़ रहा हूँ। सबूत मिलते ही गुनहगार जेल में होगा। काका, आप वहां जाकर कंप्लेंट रजिस्टर में दस्तखत कर दें। ठीक है बेटा। इंस्पेक्टर साहब, हमें यकीन ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, ये काम ठाकुर के लड़कों ने किया है। सूरज, कानून को हाथ में लेना भी एक जुर्म है। मैंने कहा ना, भरोसा रखो। हाँ अमर भैया पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे सूरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोमवार की कसम, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, मंदिर के पीछे मिलना, ये करेंगे वो करेंगे, अब यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बापू। ओफो, ये बापू कहाँ से बीच में आ गया? अमर भैया देखो, नहीं पुलिस स्टेशन है, किसी के बाप का थोड़ी नहीं, चाहे वो मेरा बापू हो या इसका बापू हो। तुम ठीक कह रही हो चंदा। ठीक तो मैं हमेशा कहती हूँ अमर भैया, लेकिन ये सूरज ही नहीं समझता। अब देखो ना, वो पुजारी का कब से इसका इंतजार कर रहे हैं, और मैं उन्हें बोला हूँ कि मैंने ये कर दिया और वो कर दिया। और हाँ अमर भैया, मैं आपको बोल देती हूँ, आज महाशिवरात्रि है, मेला लगेगा, फिर मुझे मत कहना कि मैंने बोला नहीं। हाँ चल सूरज, चलते हैं। बापू, ये बापू फिर से कहाँ से आ गया? इतना सारा काम पड़ा है, ना मेरा बापू करेगा ना तेरा बापू करेगा। चंदा बेटा, मैं कर लूंगा। अमर भाई आप आएंगे ना? हे भगवान, तेरी लीला। शीरा लॉकअप में बंद है, इसका मतलब वो इंस्पेक्टर जिंदा है। अब तो मुझे किसी भी तरह उस आत्मा को वश में करना ही पड़ेगा। दिखा अपनी शक्तियाँ, दिखा अपनी शक्तियाँ। आजा। Ha 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 ha
आ गई तू। देखा इस माया का माया जाल, अब तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? हाँ, अरे तू लाख कोशिश कर ले, इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकती। और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डायन, मैं यहाँ से निकलूंगी, जरूर निकलूंगी। जिसको भी दाढ़ी बनानी है राशन कार्ड बना के लाइन में खड़े हो जाओ। अरे तेरी दाढ़ी तो बहुत कड़क है, मेरा साबुन बहुत खाती है। तेरी मुझ तो आधी बनाऊंगा थूक लगा के। थू, थू। ये क्या करता नालायक, साबुन पर पानी की जगह पे थूक लगाता है। क्या करूं भैया, पानी नहीं है इसलिए थूक लगा रहा हूँ। अरे थोड़ी तो इज्जत कर। ये क्या कम इज्जत है कि साबुन पर थूकता हूँ? अरे दूसरे के तो मुंह पर थूक कर थू दाढ़ी बनाता हूँ। इसमें एक फायदा है। वो क्या? थूक लगाने से सेप्टिक नहीं होता है। अरे नहीं काका, नहीं काका, नहीं काका, जल्दी से पहले मेरी दाढ़ी बना दे। ए, टाइम नहीं है मेरे पास, दिखता नहीं है कितनी लंबी लाइन लगी है। अरे डबल पैसा दूंगा यार, ले पांच के दस ले, ले, ले। पैसा तो मैं रख लेता हूँ लेकिन एक घंटा लगेगा। गजब आदमी है, पैसा लेकर घंटे की बात करता है। अरे 10-15 मिनट कम कर काका। टाइम कम नहीं होगा, इतनी लंबी लाइन लगी है, वो आदमी सो रहा है, पूरा एक घंटा लगेगा। अच्छा तो ठीक है, फिर मुझे भी घंटे का ही काम है, निपटा कर फिर से आऊंगा। एक घंटे में निपटा कर वापस नहीं आया तो दूसरा एक घंटा लगेगा। नहीं काका, हाँ। मेरे लिए काफी एक घंटा। आदमी बहुत अच्छा है, रोज 10 का नोट दे के जाता है पर दाढ़ी नहीं बनवाता है। मैं जानता हूँ कितना अच्छा आदमी है। 2-5 और ये लैला आ गया तेरा चेला। ओहो बंद कर, मेरे पास टाइम है बहुत कम और बातें करनी है बहुत सारी। जो करना है जल्दी कर, कहीं बापूजी आ गए तो। अरे पगली, तेरा बापू कभी नहीं आ सकता। रोज 10-10 रुपया दे देकर तेरी खातिर तेरे बापू से एक घंटा मांग कर लाता हूँ। अगर यूं ही चलता रहा ना तो पैसा हो जाएगा खलास और फिर ये घंटा भी कभी नहीं मिलेगा। तो फिर मेरा क्या होगा बोलो, तू ही बता ना मैं क्या करूँ। अरे पगली, तू कोई ऐसा चक्कर चला कि अपना ब्याह फटाफट हो जाए। अरे बाप रे, बापू जी आ गए। अरे तेरा बापू कभी नहीं आ सकता। अरे लैला, तू मुझे क्या कर रहा है क्या? अरे क्या कर रही है? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। क्या कर, क्या करूँ? कुछ और की सोच, सोच। घर में कौन है? घर में कौन है? घर में कौन है? लो पानी पियो। ये क्या है? ये मूर्ति है बापूजी, कितनी अच्छी मूर्ति है। मूर्ति तो बड़ी भारी है बेटा, इतनी भारी मूर्ति तू अकेले कैसे उठा कर ले आई? मैं तो इससे भी भारी मूर्ति उठा सकती हूँ बापूजी, तुम्हारी बेटी जो हूँ। मेरी बेटी की ताकत मुझे मालूम है। हाँ। ये मूर्ति मुझे बहुत पसंद है। हुँ? इसको मैं दुकान में रखूंगा। दुकान में? क्यों, तेरे को कोई तकलीफ है? नहीं बापूजी, जैसे तुम्हारी मर्जी। मूर्ति के चक्कर में पानी पीना ही भूल गया, अभी आता हूँ। ये सब मोटे का चक्कर है। पानी तो खलास हो गया बेटी, ये मूर्ति पानी पीती है क्या? पानी पिए भी पानी निकाले भी, ये मूर्ति है कि वाटर पंप है? ये तो बड़ी अच्छी मूर्ति है, घुमा कर देखू, इसको दुकान पर रखूंगा तो गिराकी बढ़ जाएगी। बेटा ये तो बहुत ही गंदी मूर्ति है। रात दिन अखबार पढ़ते बैठे रहते हो, तुम्हें कुछ घर की भी खबर है? अब क्या हो गया चंदा की माँ? तुम्हें तो कुछ दिखाई देता नहीं, चंदा अब सयानी हो गई है, उसके हाथ पीले कर दो तो मैं गंगा नहा लूँ। हो गई ना शुरू? न पुजारी काका के नजर आ रहे न सूरज के नजर आ रहा है। चल चंदा, भगवान के दर्शन करके अपने काम पे चल। सूरज, ओ, 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 ओ,
मेरी जान तू कहाँ है, खोया खोया दिल मेरा, मेरी जान तू कहाँ है। तेरे दिल के पास ही हूँ, तेरे दिल के पास ही हूँ, मैं वही हूँ तू जहाँ है। खोया खोया दिल मेरा, मेरी जान तू कहाँ है। ये डब्बा क्यों रखा है यहाँ पर? पुजारी काका आप? हाँ हाँ मैं। और तू जिसे ढूंढ रही है ना, वो आज शहर गया है, उसका रिजल्ट है आज, पता है तुझे? हाँ, हाँ, पता है मुझे। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता। अरे काका मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी, वो क्या है ना ये टिफिन। हाँ, टिफिन ये तो मुझे पुलिस स्टेशन पहुँचाना था। बुधवार की कसम मैं भूल गई। अमर भैया गुस्से होंगे, मुझे खाना खिलाना है, मैं जाती हूँ। अरे अरे काका आप शाम को घर पे जाना, पापा ने बुलाया है, जरूर आ जाना, नहीं तो मेरी तो छुट्टी जाएगी। हाँ आ जाऊंगा आ जाऊंगा। अरे धीरे धीरे। जय भोलेनाथ। जय बोलो श्री शंकर जी। जय बोलो सूरज।
महाराज भैया तनिक रुक जाओ, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे बगैर भांग पिए शिव जी की पूजा क्या करोगे? चौबे काका, सोमवार की कसम, गलत आदमी को बुला रहे हो। ये ठहरे शहरी बाबू, ये क्या जाने भांग वांग क्या होती है? अरे चंदा, हमने शहर में इतनी भांग पी है कि ये तो कुछ भी नहीं। लो कर लो बात, शनिवार की कसम सूरज, इतनी लंबी मथा को एक आधा ग्लास भांग तो पी नहीं सकते। देख चंदा, सूरज की परीक्षा मत ले, एक तो क्या 10 ग्लास पी जाऊं तो विचार का है का? ये लो, हो जाओ शुरू। लो, पर एक शर्त है, मेरे साथ चंदा भी पिएगी। हाय मैं मर जाऊं, सूरज चंदा तेरे लिए जहर भी पी जाए। लाओ चौबे काका। ये लो बेटी। ले ले ले। एक ही घुट में घुटक गए। तीन। हे भगवान, अब तो शिवजी ही रक्षा करें इनकी। एक एक दो दो तीन 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 ¡Gracias!
दो तीन, हाँ एक दो तीन लेके हाथ में हाथ। वादा वादा करो वादा वादा, हे एक दो तीन, हाँ एक दो तीन लेके हाथ में हाथ। दिले में दिल गया मारा, दिल मेरा तेरा हुआ, दिल तेरा मेरा हुआ, दिल मेरा तेरा हुआ। हर हर दिल हरा, दिया दिया दिल दिया दिया दिया, एक दिन हाँ एक दिन आए हाथ में हाथ। दे 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 दिल दे 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 दे, एक दो तीन हाँ एक दो तीन दे दे हाथ में हाथ। दे 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 दिया दिया, अरे दे 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 ए दिया दिया, दे 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 दिया दिया, दे 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 दिया दिया, एक दो तीन। बुजारी नमस्कार छोटे ठाकुर। क्यों बे पुजारी, ये हम क्या देख रहे हैं? इस मंदिर में दूध चढ़ाने का पहला हक हम ठाकुरों का है, ये बात तुम कैसे भूल गए? पर यहाँ सब एक बराबर हैं, भगवान का घर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पर। घंटी बजाते बजाते जबान भी चलाने लगा है, लगता है खाकी वर्दी का रंग तेरी अकल पर चढ़ गया है। लाखन ओ शहरी लौंडे, छोकरी का पल्लू पकड़कर मेरे मुंह मत लग। तुझे नहीं छोड़ूंगा बेटा। मैं इंस्पेक्टर अमन नाम है मेरा, और मैं तुझे पुजारी काका और सूरज के ऊपर कातिलाना हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। तेरी तो आज तुझे तेरी असली जगह पहुंचाता हूं, चल। इंस्पेक्टर तुम मुझे ज्यादा दिन अंदर नहीं रख पाओगे, मैं बाहर निकला तो ये पुलिस का लॉकअप है लाखन, यहाँ हवा भी इंस्पेक्टर अमर को पूछ कर अंदर आती है। मैंने चंपा का केस भी पढ़ लिया है, अब सारी जिंदगी सर टकराते हुए इन्हीं सलाखों में बीत जाएगी। होश की दवा करो इंस्पेक्टर। होश में तो तुम आ जाओ लाखन, पर घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा दिन अकेला पर नहीं काटना पड़ेगा। मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे भाइयों और तुम्हारे बाप को यहीं लेकर आऊंगा। तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, हम खुद आए हैं, मेरे बेटे को छोड़ दो। ठाकुर साहब आप शायद जानते नहीं कि जानवर जब पागल हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है, और इंसान जब जानवर बन जाता है तो उसे सलाखों में बंद कर दिया जाता है। जब ज्यादा मुंह खोलता है तो उसका मुंह नोटों से बंद कर दिया जाता है कि मत बोलो। आप मुझे खरीदने आए हैं? खरीदा तो उसको जाता है जिसकी कोई औकात हो, मैं अपने बेटे की कीमत पूछने आया हूं। ठाकुर साहब मैं आपके बेटे को शहर भेज रहा हूं, हिम्मत हो तो जमानत पर छुड़ा लाइएगा,
तुमने ठाकुर शमशेर सिंह की इज्जत पर हाथ डाला है, फिर भी मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ। बाद में ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताने का मौका भी ना मिले। सर, मैं मानवगढ़ से इंस्पेक्टर अमर बोल रहा हूँ। यस सर। सर, मैं अपना पहला शिकार शहर भेज रहा हूँ, फाइल भी उसके साथ में है। जी राइट सर। ओके। इंस्पेक्टर अमर अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। मां अभी देखना, चंद सेकंड में ही वो बम फट जाएगा। चंदा, चंदा, चंदा बेटी सदमे से बेहोश हो गई है, उसे दवा दे दी है, जल्दी होश आ जाएगा। अरे मगर उन पापियों को कब होश आएगा? मान लो इसे कुछ हो जाता तो? मुझे मेरी चिंता नहीं है मास्टर जी, खाकी वर्दी पहनने वाला मौत से नहीं डरता। उन पापियों ने मानवगढ़ के पुलिस स्टेशन पर नहीं, हिंदुस्तान पर हमला किया है, और हिंदुस्तान की पुलिस अपने हमलावर का सामना करना जानती है। मैं उस ठाकुर खानदान के लोगों को कानून का वो सबक सिखाऊंगा कि उनका नाम निशान तक मिट जाएगा। भूल डालो साले को। इस बुड्ढे को भी बता दो कि हम क्या कर रहे हैं। आग लगा दो ताकि राग के सिवा कुछ न बचे। चंदा, 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 भाग जा, हम लोगों की फिक्र मत कर, तू भाग जा, अपनी जान बचा ले। चंदा भाग जा, चंदा। बापू, शिवा भीमा, वो नागिन अभी तक जिंदा है, पकड़ो साली को। ना वो निशान मिटाने के मास्टर का। जल्दी मां, जल्दी, देर बच ना पाए, चल शाबाश। बहुत भाग रही थी। खत्म कर दो। चंदा, जरा भी हिलने की कोशिश की तो इस लड़की को फेंक दूंगा। दोनों तो किससे खत्म हो जाए। और शिवा उसे Bye!
किससे ही खत्म हो जाए। सूरज! सूरज! चंदो! बिल्ले आखिरी बार उसे क्या? क्या किया तुमने सूरज? सूरज! सूरज! सूरज के बिना चंदा क्या करेगी? मैं लूट गई। हाँ, उठा ले सूरज को। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं तुझे बचाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे गंदे हाथ मेरे जिस्म को नहीं छू सकते, नहीं छू सकते। बहुत मीठी गाली देती है चंदा, अब हमारा हरामीपन भी देख ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने से पहले चंदा अपनी जान दे देगी। नहीं, कहाँ है? तुझे ही ढूंढ रहा है। अबे लंगूर, उस दिन सारी बात तूने नाई को बता दी, अब वो मेरे पीछे पीछे घर पे आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी लैला तेरे को नहीं है। वो मेरी लैला चलाक निकली और मुझे मुझे मूर्ति बना के यूं खड़ा कर दिया। यूं? नहीं तो मेरी सारी पोल खुल जाती, सारा बना बनाया खेल बन जाता मेरा। बेटा, खेल तो तेरा अब बिगड़ेगा। कभी नहीं बिगड़ेगा। हा? कभी नहीं बिगड़ेगा। वो मेरी लैला है, कुछ तेरी तरह ट्रैफिक पुलिस की पीपनी नहीं है कि पी 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 तेरे बजाने से बजेगी। और कान खोल कर एक और बात सुन ले। क्या खोल के? अबे कान है ना, वही खोल के सुन ले। ये मजनू जा रहा है अपनी लैला से मिलने उसके घर, और तूने जो करना है सो कर ले। कर लूंगा। और एक बात और सुन ले बेटा। बोल। कि तूने जो करना है सो तू कर ले। कर लूंगा। और तीसरी बात भी सुन ले। बोल। तूने जो करना है कर ले। समझदार है। कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा। अरे घर के बच्चे, मेरे को झूठ बोल के घर भेज दिया और सारा धंधा खराब कर दिया। मैंने झूठ नहीं बोला। अरे तेरी छोरी ने उसे मूर्ति बनाकर खड़ा कर दिया। हाँ, और जो तुझे विश्वास नहीं हो तो सीधा घर जा और देख वो दोनों क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं घर जाता हूँ। लेकिन इस बार तेरी बात गलत निकली तो इस तलवार पर फूंक लगाकर तेरी गर्दन काट दूंगा। और अगर सच निकली तो मैं तेरी बजा दूंगा। शहनाई, शहनाई। लैला, तू कितनी खूबसूरत है। तेरी आंखें जैसे मेरे रिक्शे की हेडलाइट। तेरी नाक जैसे मेरे रिक्शे का बम्पर। तेरा कांधा जैसे मेरे रिक्शे का हैंडल। और बस, अगर तू इससे आगे बढ़ा ना तो खबरदार। लैला, वो मोटा आया है क्या? तेरे बापू। क्या बोला तू? बापू कहाँ जाऊँ? कहाँ चुप? इधर इधर उधर। किधर है लैला बेटी? क्या कर रही है? टीवी देख रही बापू जी। मैं भी जरा टीवी देख लूं। हाँ, जरूर देख लो। नमस्कार, अब सुनिए आज के समाचार। हमें आज ही अपने सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि शहर की एक चुहिया ने दो हाथी के बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें से एक नर है और एक मादा है। और डॉक्टर का ये वादा है कि कल तक नर को मादा में बदल देगा। दुनिया भर के पर्यटक और वैज्ञानिक कुदरत के इस करिश्मे को देखने के लिए इस शहर में जमा हो रहे हैं। ला ले नर मादा।
दोनों को एक कर देंगे, वादा है। ले, ला। अभी अभी खबर मिली है कि चौक वाले बजरंगी नाई की दुकान में घमासान आग लग गई है, जिसमें सड़ी हुई मूछे, कटे हुए बाल और न जाने कितनी जवान बूढ़ी दाढ़ियां धूं धूं करके जल रही हैं। हमारी बजरंगी नाई से गुजारिश है कि वो फौरन जाए, आग को बुझाए, ताकि हम गंगा नहाएं। बेटा मैं जाऊं, दुकान में जो भी बच जाए बचा लूं, थोड़े बाल भी बच जाए तो तेरा भाग, हम गंगा नहाए। चंदा की जिंदगी में रोशनी की कोई जगह नहीं। मेरी लड़ाई तो तुम्हें लड़नी है चंदा, मैं तुम्हें ताकत दूंगी। तुम्हारी इन आंखों में तुम नफरत की ज्वाला को धधकने दो और रणचंडी बनकर इस गांव में एक सैलाब ला दो। हम और इंतजार नहीं कर सकते। जीते जागते इंसान जलकर राख बनकर हवा में उड़ गए और हमें सबूत का धुआं तक नजर नहीं आया। लेकिन सर हम आई जस्ट डोंट बिलीव इन एक्सक्यूजेस बट द वर्क डन। बहानेबाजी कमजोर लोग करते हैं और आपके पास कानून की ताकत है। मैं इस केस को मिस्टर इनामदार के सुपुर्द करता हूं। मिस्टर इनामदार। सर। मिस्टर इनामदार, मानवगढ़ के हादसे का केस मैं तुम्हें सौंपता हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बहादुरी और ईमानदारी का सबूत जल्द दोगे। आप मुझ पर पूरा विश्वास कर सकते हैं सर। गुड लक। थैंक यू सर। बैड लक। जी सरकार। अकल के गधे हो। जी सरकार। हमारे इस गांव में नया इंस्पेक्टर आ रहा है। जी सरकार। अपने किसी ड्राइवर के पेट में दारू और उसकी जेब में पैसे भर दो और कहो कि वो इंस्पेक्टर इस गांव में नहीं पहुंचना चाहिए। समझ गया सरकार, उसे कहां पहुंचाना है। अच्छा वक्त है, चंदा भी इंस्पेक्टर बनकर गांव में जाएगी, कानून उसके हाथ में होगा और ठाकुर उसके इशारे पर नाचेगा। चंदा नागिन बनकर उसके आस्तीन में छुपी रहेगी और जब वक्त मिलेगा उसके जिस्म में जहर उतार देगी। लगता है दांव उल्टा पड़ गया। निकालो वो हार, पहना देते हैं साले को। अरे ला। ठीक है ठीक है। अजी मैं क्या, ये कड़ा पिंड है मानव गड़ा? ये पिंड नहीं, गांव है गांव। अच्छा हाँ। तो तू बजरंगी है गा? अरे आप तो मेरा नाम भी जानते हैं। तेरा नाम भी जानूं और तेरा काम भी। वो साढ़े डिया जी साहब कहते थे, करता रहा जो गांव में कमी ना दिखे तो समझ लेना वो बजरंगी है गा। और जो लफंगे दिखे तो करता रहा समझ लेना वो भीमा और शिवा होंगे। और मैनू तो तुम दोनों ही लफंगे लग रहे हो। मैं शिवा हूँ। और मैं भीमा। अच्छा तो सारे डीआईजी ठीक कह रहे सी, पर गल सुन यार, डीआईजी और एक बात बोल रहे थे। वो कह रहे थे गांव में कंस आदमी दिखे तो वो इस गांव का ठाकुर हैगा। तो वो कंस कितने दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हार भेजा है दद्दा ने। और रहन दे इस हार को, ये 100-200 रुपए के हार करतार सिंह के गले में शोभा नहीं देते, कुड़ियों के नाल सोने लगेंगे, समझा? पर दद्दा ने तो। अरे तेरे दद्दा की तो मैं। ओ जान दे बोल दे तेरे दद्दा नु, सरदार करतार सिंह छोटे मोटे खेल नहीं खेलता, जैकपॉट लगाता है जैकपॉट। ओए देख क्या रहा है, जा बोल दे, समझदार होगा तो खुद समझ जाएगा। सरकार, इंस्पेक्टर का स्वागत तो हमने खुद ने किया लेकिन ये नोटों का हार नहीं पहना सके। अरे उसे अपने गांव की ठंडी हवा में दम तो लेने दो, ईमानदारी की सारी गर्मी उतर जाएगी। चलो मेरे साथ। हाँ
कहाँ खोयो? अजी खोए सारे दुश्मन। करतार सिंह ये सोच रहा सी इस पिंड विच। ओ यार तुसी क्या कहंदे हो, मानवगढ़ विच साड़ी बोनी खराब हो गई। वो मुंडे 200-300 रुपए लेकर मेरे नाल आए, सालों नू रिश्वत देनी भी नहीं आंदी है। अच्छे इंस्पेक्टर साहब भूल जाते हैं। अरे रे महाराज तुसी इते किते बैठ रहे हो? तुसी ठाकुर हो ठाकुर, पिंड दे राजा। आओ आओ साड़ी कुर्सी विच बैठो। आओ आओ। बड़े समझदार लगते हो। तुसी पहले आदमी हो जो करतारा नू समझ गए। वो क्या है ना, असी ठहरे सरदार थोड़े खाने पीने दे शौकीन है। भाई तुम्हारे सारे शौक पूरे हो जाएंगे, लेकिन जब हम खिलाते हैं तो वसूल भी करते हैं। करो जी करो, अजी जरूर करो। अपना तो उसूल है, एक का दो तो दूजी हाथ लो। तुसी हुक्म करो सरकार। हुक्म बराबर वालों को नहीं दिया जाता है इंस्पेक्टर साहब। आपने ठाकुर को समझ लिया तो समझो, इस गांव में अब रोज आपकी होली और हर रोज दिवाली। जी समझ गया जी। मेरा बेटा शहर में बंद है, उसे छुड़ाना है। अजी पापा जी छूट गया, समझ लो छूट गया। अरे हम अभी फोन कर देते हैं। लेकिन पापा जी वो क्या है ना, कानून के हाथ टेलीफोन के तार से लंबे होते हैं, और लंबे हाथ विच कीमत बोलो। 1,00,000 रुपया मिल जाएगा। अरे ना जी ना, साड़ू की करना है, तुसी सिर्फ एक मुंडा मेरे नाल भेज दो, असी दो मुंडे ले आएंगे। ए लो। एक बात याद रखना इंस्पेक्टर, ठाकुर पैसों की कीमत जानता है। इस गांव में हेरा फेरी करने का हक सिर्फ हम ठाकुरों को है। अगर हमसे चालबाजी करने की कोशिश की तो इस गांव से बाहर नहीं जा पाओगे। यकीन नहीं आता तो ये पुरानी फाइलें एक बार देख लेना। आओ आओ इंस्पेक्टर आओ। ठाकुर साहब तुसी पुलिस पर भरोसा रखना सीखो, असी पंजाब दे पुत्र है, जो कहते हैं वो करते भी हैं। बैठो चाय पियो। चाय शाय असी नहीं पींदे, जो पीना है राती नु पी लेंगे। तुसी मुंडे नु बुलाओ जल्दी, जरा लंबा सफर हैगा ना। हम वादे के पक्के हैं इंस्पेक्टर। भीमा जी दादा। जाओ इंस्पेक्टर के साथ जाओ, और वो जो कहेंगे वैसा ही करो, और अपने भाई को वापस ले आओ। जी दादा। अजी ठाकुर साहब बैंड शैंड मंगवा कर रखो, मैं यूं गया और यूं आया, एक नु ले जा रहा हूँ, दोनों लेकर आऊंगा। इंस्पेक्टर हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ओए इसमें माल कितना है? 1,00,000। चल चल चल। सरकार हाँ। ये पंजाबी मुंडा तो हमारा 1,00,000 का कुंडा कर गया। चुप। ओए मुंडे असि शहर तो जा रहे हैं तोड़े प्राणू छुड़ाने वास्ते, लेकिन एक गल दस, तोड़े प्राणू जेल कैसे हुई? इंस्पेक्टर साहब आप तो समझदार अफसर हैं, पर ये पहले वाला इंस्पेक्टर था ना कुछ ज्यादा ही ईमानदार था, बस लाखन से उलझ गया, भेज दिया जेल में। यही साले पुलिस वालों का नाम बदनाम करते हैं, इन सालों को सरेआम गोली मार देनी चाहिए। मार भी डाला, ठाकुर के यहाँ सीधा ही ना मिलता है, लुढ़क गया साला। इंस्पेक्टर साहब ने उसे ही नहीं, उसका साथ देने वाले मास्टर, पुजारी, मास्टर जी की बीवी, पुजारी का लड़का, सब भूंडा ला। अरे वाह तुसी तो शेर दे पुत्तर हो। बस एक तमन्ना रह गई, उस मास्टर की एक बेटी थी, आ क्या बताऊं, बड़ी नमकीन। क्या हुआ सरदार जी? कुछ नहीं, मुझे भी मेरा नमक याद आ गया था। क्या मतलब? मतलब तो तेरी समझ में आ जाएगा कमीने, जब तू मेरी शक्ल देखेगा। चंदा तू? तो तू अपनी मौत को पहचान गया? उस दिन तो तू बच गई, देखता हूँ आज कौन बचाएगा तुझे। अरे
तेरा हरामीपन मैं जानती हूँ। चंदावा, आज तूने सफलता की बुलंदी को स्पर्श किया और एक पापी पृथ्वी से मिट गया। आज उस हरामजादे ठाकुर को पता चलेगा कि अपनों की मौत की पीड़ा क्या होती है। गैरों के खून का रंग तो उसने देखा है, आज अपने बेटे के खून का रंग देखेगा तब उसे पता चलेगा कि लाश के सूखे खून का रंग क्या होता है। अगर तुम इंस्पेक्टर हो तो वो कौन था जो मेरे बेटे को ले गया? कौन था वो? ठाकुर साहब, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन था वो। उसने केवल आपको ही धोखा नहीं दिया बल्कि अपने मतलब के लिए मुझे जान से मारने की कोशिश की। एक इंस्पेक्टर पर हमला? तुम बार बार अपने आप को इंस्पेक्टर कह रहे हो, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम ही इंस्पेक्टर हो? मेरे पास में इसका सबूत है। ये देखिए, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। और हां, ये देखिए, ये मुझे डीआईजी साहब ने आपके नाम पर खत दिया है और इस खत में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा हुआ है, ठाकुर शमशेर सिंह, जमाना जानता है कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो धमाके से फूटता है, क्योंकि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। यकीन ना हो तो पहाड़ी पर जाकर देख लेना। देख लेना इससे पहले कि चील कौवे तुम्हारे बेटे भीमा की लाश की शक्ल बिगाड़े। तुम ठाकुराना परंपरा से नहीं। बड़ा धोखा। इस धरती पर ऐसा कौन पैदा हुआ है जिसने शेर के मांग में हाथ डाला है? रोले ठाकुर, जी भर के रोले। ये चंदा तुझे खून के आंसू रुलाएगी। जो आग तूने लगाई ठाकुर, वो तुझे जलाकर राख कर देगी, सर्वनाश कर देगी तेरा। अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे और धीरे धीरे करीब आती मौत की आहट सुन ले ठाकुर। इंस्पेक्टर, तुम यहाँ आराम कर रहे हो, वहां हवेली में सन्नाटा हमें काटने दौड़ता है। मैं आपका दर्द समझता हूँ ठाकुर साहब। हमारे दुख दर्द में हिस्सेदार बनने की कोशिश मत करो, वही करो जो हमने कहा है। वही तो कर रहा हूँ, लाखन को छुड़ाने का रास्ता ही ढूंढ रहा था। सही कर रहे हैं थानेदार साहब, छोटी सरकार आ जाएंगे ना तो बड़े सरकार की हिम्मत भी बड़ी हो जाएंगी। बजरंगी, इनामदार, इनाम लेना है तो कुछ भी करो, लाखन को छोड़ दो, पैसे की चिंता मत करो। नहीं नहीं ठाकुर साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। हाँ, वो शहर के वकील की फीस। जो मांगे वो दे दो, जाकर छुड़ा लाओ। कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है ठाकुर साहब, वकील भी यहां आएगा तो पैसे लेगा। मैं फोन कर देता हूं, कल ही लाखन बाबू वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। अच्छा, ठाकुर साहब, अब तो आप घी के दिए जलाइए, कल लाखन बाबू वापस आ जाएंगे। घी के दिए नहीं ठाकुर, अब तुम मौत का मातम मनाओगे। We'll be right back.
इंस्पेक्टर साहब, ये रहे लाखन के जमानत के कागजात। कानून ने उसे गिरफ्तार किया था, अब कानून ही उसे रिहा करेगा। वकील साहब, लोग ठीक ही कहते हैं, कानून दोधारी तलवार है, दोनों तरफ से काटती है। एक समझदार वकील उस दोधारी तलवार का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह जानता है, ताकि मुवक्किल को फायदा हो। आप लोगों से बातों में जीतना बहुत मुश्किल है। हवलदार, लाखन को ले आओ। हेलो, आई एम एडवोकेट ढोलकिया। वाह वकील साहब, आपने तो वाकई कमाल कर दिखाया। कमाल तो हमारा अब शुरू होगा लाखन, जब हम तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचा देंगे। चले चलिए। वकील साहब, ये गाड़ी क्यों रोक दी? मेरा बस चलता तो मैं वक्त को रोक देता। वैसे भी हर वकील को अपने मुवक्किल की कमजोरी का पता होना चाहिए, जैसे कि तुम्हारी कमजोरी है बियर। वाह, मजा आ गया वकील साहब। भाई ये हुई ना कोई बात, गांव पहुंचते ही आपकी वो खातिरदारी करूंगा, आप भी देखते ही रह जाएंगे। चीयर्स। खातिरदारी तो होनी है, तुम करो या मैं। लेकिन वकील साहब, आपको ये कैसे पता चला कि मुझे दारू का शौक है? मुझे तुम्हारे हर एक शौक का पता है, तुम कहो तो बता दूं। समझ गया वकील साहब, समझ गया। वो सरफिरा इंस्पेक्टर अगर मुझे जेल में नहीं भेज देता, तो जो काम मेरे भाइयों ने किया है वो काम मुझे करना था। ओ, तो तुम्हें इंसानों को मारने का भी शौक है। बहुत का खेल तो लाखन का सबसे प्यारा खेल है वकील साहब, पर इस बार चूक हो गई। वो स्वतंत्रता सेनानी दीनानाथ साला बहुत ऊंची आवाज में कानून और इंसाफ की बातें बोलने लगा था। मैंने उसकी मौत का इंतजाम कर दिया था, मगर वह मास्टर। क्या हुआ वकील साहब? वो किशन भगवान थे जो 100 गालियां सुनते रहे। तूने तो एक ही गाली में अपनी मौत को बुला लिया लाखन। कौन है तू? मौत का कोई नाम नहीं होता, लेकिन तू अपनी मौत का नाम सुन ले। तेरी मौत का नाम है चंदा। तू होते हैं
जो अपनी मौत को अच्छी तरह से देखते हैं। तुझे कदम कदम पर अपनी मौत का नजारा देखने मिलेगा लाखन। जा देख, अपनी मौत का नजारा देख। मैंने इसमें बम फिट कर दिया है, अगर तूने जीप रोकने की कोशिश की तो तेरे चीथड़े उड़ जाएंगे। मैं तेरा वो हश्र करूंगा, तू जिंदगी भर याद रखेगी। चंदा, देख लेना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चंदा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। बहुत जल्दी हम खुश है इनामदार, तुमने हमें ईमानदारी का सबूत देकर हमारा दिल जीत लिया है। यही तो हमें सिखाया जाता है ठाकुर साहब। बस लाखन बाबू अभी आते ही होंगे। हाँ, आना ही चाहिए। लीजिए, आप ही गए। छोटे सरकार। अरे रुक जा मेरे बेटे। अरे रुकता क्यों नहीं है तू, रुक जा। सर्कस वालों की तरह क्यों घूम रहे हैं सरकार? लाखन भैया जीप क्यों नहीं रोकते? शिवा, मैं जीप नहीं रोक सकता, जीप में बम लगा हुआ है। मैं जीप रोकूंगा तो बम बन जाएगा। बम 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 है? बम 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 बम। अरे लाखन बेटे, अगर बम लगा है तो कूद जा बेटे, जल्दी से कूद जा। लेकिन दद्दू, मैं जीप से कूद भी नहीं सकता। ये देखो, मेरा हाथ हथकड़ी से स्टीयरिंग में बंधा हुआ है। अरे देख क्या रहे हो, हथकड़ी खोल दो उसकी। लेकिन ठाकुर साहब, पुलिस वाले की भी जान होती है, हम आग से खेलते हैं, आग में कूदते नहीं। दद्दू, पेट्रोल खत्म हो रहा है। दद्दू, जीप का पेट्रोल खत्म हो रहा है। दद्दू, मुझे लाखन भैया, भैया भैया जीप मत रोकना। दद्दू, मुझे बचा लो। दद्दू, मैं मर रहा हूं। दद्दू, जीप में पेट्रोल खत्म हो रहा है। ठाकुर साहब, अभी बम फटेगा। फटेगा इनामदार। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। किसने मेरे भाई के साथ ये किया है? इंस्पेक्टर। ठाकुर साहब। इंस्पेक्टर, इस राग की हंडी को देख रहे हो? ये राग मेरे उन बेटों की चिताओं की है, जिनको मैंने माँ और बाप का प्यार देकर इस लायक बनाया था कि मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। देखो, इसमें अभी भी वो चिंगारी है जो मुझे चिल्लाकर कह रही है कि हमारा बदला लो, दुश्मन को मारो। बोलो इंस्पेक्टर, क्या जवाब दूं मैं इस सवाल का? जी वो इंस्पेक्टर, अगर 24 घंटों के अंदर तुमने मेरे बेटों के दुश्मनों को नहीं पकड़ा तो दूसरी हांडी में तुम्हारी चिता की राख भरकर मैं इसी पुलिस स्टेशन में गाड़ दूंगा। मैं जानता हूं ठाकुर साहब, जानता हूं, मगर ठाकुर साहब एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लाखन बाबू के छूट कर आने की खबर सिर्फ आपको, मुझे और बजरंगी को थी, फिर ये खबर दुश्मन को कैसे मिली? बजरंगी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं थानेदार साहब? मैं तो खुश था कि छोटे सरकार आ रहे हैं। ठाकुर साहब, इस गांव में जरूर कोई आपका दुश्मन है। मेरा कोई दुश्मन जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मुझसे दुश्मनी करने वाला कल का सूरज नहीं देख सकता। याद कीजिए ठाकुर साहब, याद कीजिए, इस गांव में जरूर कोई आपका दुश्मन है और जिंदा भी है। आज बिना थूक लगाए खुद की बना रहा हूँ। मर गया। अरे क्या हुआ? मत पूछो। अरे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? आज चांदनी रात में वो मजनू की औलाद लैला की इज्जत पर डाका डालेगा, और वो भी तेरे आंगन में। गधे, मेरी परम प्यारी पुत्री के लिए गंदी बात करता है बेशरम छोकरा। ये बात सोलाना सचन है काका, तेरी और लैला की इज्जत खतरे में है। आज तक तुम गांव वालों की मूछ काटते आए हो, कल तेरी नाक कट जाएगी थूक लगा के। चुप! ये नहीं हो सकता। hmm.
बेटी ये ले जा अंदर। बापू तू अंदर सो जा, मैं आज बाहर सोऊंगा। सर्दी बहुत है। चल जा। हट। खड़ी क्यों है? मोटे जाड़िए कि आज मैं बिना उस्तरे की हजामत कर दूंगा। देखता हूँ मेरी छोरी को कैसे पटाता है। जो तेरी पैंट नहीं उतार दी तो मेरा नाम बजरंगी नहीं। मेरे इंतजार में सोई है मजनू, तेरे भाग खुल गए। डिंडांग डिंडांग डिंडांग। मुझे गुदगुदी हो रही है। मचल रही है, मचल रही है। मालूम है तेरे मन में क्या चल रहा है? अरे आज मजा आएगा, तेरे बापू को अच्छा बुद्धू बनाया है। ये क्या, तेरे बाजू कैसे बढ़ गए? तू रोज व्यायाम करती है क्या? नहीं, रोज घोड़े को नहलाती हूँ ना। अच्छा अच्छा, ये तो खानदानी धंधा है, है? तेरे हाथ इतने कड़क कैसे हो गए? बर्तन मांज मांज के। ओ अच्छा, तेरे बाल कहाँ गए? तूने बॉयकट करा लिया? बॉयकट? बापू के एक दिन ग्राहक नहीं आया ना तो मेरे ही बाल काट दिए। महा बदमाश बापू है तेरा। मुंह पे बाल कैसे उगाए? ये तो मेरी चोटी है पर थोड़ी छोटी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या तू चांदनी रात और तू कैसी भट्टी भट्टी बातें कर रही है? चांदनी रात तेरे लिए नहीं, मेरे लिए। तेरे लिए तो अमावस की रात है। तेरे बापू ने तुझे दूध में मिला के कुछ पिला तो नहीं दिया? तू कैसी बातें कर रही है? ला मुझे मुंह दिखा अपना, दिखा दिखा मुंह। बहुत दिनों के बाद आज तू मेरे हाथ आया जाड़िया। आज मैं तेरी ऐसी हजामत करूंगा कि थानेदार भी रिपोर्ट नहीं लिखेगा। तेरे साथ ऐसा सुलूक करूंगा कि दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मेरी छोरी को लेके कहाँ जा रहा है? मेरी छोरी को लेके कहाँ जा रहा है? पकड़ो कोई। मेरी लड़की को ले गया। अरे अब रोने से क्या होगा गधे? तेरे से तो मोटा अच्छा है कि कम से कम मेरी छोरी को भगा के ले गया, मेरा शादी का खर्चा बच गया। मेरी शादी करा दो धूक लगा। तेरी शादी धूक लगा के नहीं होगी, तेल लगा के होगी। देखिए सामने कपड़े पड़े हैं ना, अरे ये पैंट शर्ट कबाड़ी में बेचकर मेरे लिए खाना लिया। चंदा अब शहरी मॉडर्न लड़की बनकर जाएगी और ठाकुर के बेटे को अपनी चमक दमक दिखाकर फंसा लेगी। इनामदार तुम पुलिस वाले भी बड़े अजीब हो, जिस आदमी को मैंने मौत के घाट उतार दिया उसी का पुतला गांव में लगा रहे हो। अब क्या करें ठाकुर साहब, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मंत्री जी की खास इच्छा है, इसीलिए डीआईजी साहब के साथ में वो भी आ रहे हैं। और ऊपर से तुर्रा ये कि मुझे ही मुख्य अतिथि बनाया है। वो तो है। समझ में नहीं आता पुलिस की इस नादानी पर हंसू या रोऊं। इनामदार तुम तो जानते हो कि मैं फूक फूक कर कदम रखने में विश्वास रखता हूं, और तुम्हारे डीआईजी साहब चाहते हैं कि मैं खुले आम उस जलसे में आऊं। ठाकुर साहब मैंने तो अपनी तरफ से पूरा बंदोबस्त कर रखा है, शहर से कमांडोज भी आ रहे हैं, ऐसे में आपका दुश्मन आपको तो क्या, आपकी परछाई को भी नहीं छू सकता। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? आम लीली, एबीसी रिपोर्टर। ठाकुर साहब ये मेरी बहन लीली है। हेलो। आज का फंक्शन कवर करने आई है, एबीसी में रिपोर्टर है ना। पर ब्रदर, हु इज दिस ओल्ड मैन? अब ठाकुर शमशेर सिंह को नहीं जानती? मैं इस गांव का ठाकुर हूँ। पर भैया, व्हाट अ डर्टी विलेज। छी, ये कैसी जगह पे आपने पोस्टिंग करवा ली है? कोई रहने की भी जगह नहीं। आई मीन टू से, नो एसी, नो बाथरूम, हाउ बैड। मेहमानों के लिए हमारे दिल में जगह होती है लीली जी। नो जी, माय नेम इज लीली, यू कैन कॉल मी लीली। व्हाट अ हैंडसम पर्सनालिटी। ये मेरा बेटा है शिवा।
सद्दा, अगर आप कहें तो इन्हें गेस्ट हाउस में ठहरा दूं। वाह बेटे वाह, कभी कभी बड़ी समझदारी की बातें करते हो। ले जाओ नामदार, यह हमारी मेहमान है, पूरे गांव की मेहमान। जाओ बेटे, इन्हें आराम करने ले जाओ। नो आराम ठाकुर साहब, आई वांट टू सी दिस विलेज बिफोर द फंक्शन। आपकी तमन्ना यह बंदा पूरी करेगा। हाउ स्वीट। बजरंगी, इनका सामान लेकर गेस्ट हाउस आओ। आइए ले लीजिए। सॉरी लिली, कम। Beautiful. What a beautiful place you have. I think you understand my desire. कोशिश तो कर रहा हूँ, कुछ कुछ। अगर तुम मौका दो कुछ कुछ। मौका दिया नहीं जाता शिवा, लिया जाता है। तोरो तो किस्से ही खत्म हो जाए। कहाँ खो गए? तुम्हारी खूबसूरती की गहराई में। डिपिंग डिपिंग कुछ कुछ। तुम बला की खूबसूरत हो। अब भी तो कुछ कम नहीं। बहुत मजा आएगा जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। हम भी तो कम नहीं हैं, तुम भी तो कम नहीं। मिट जाए जाने जाना, इसका भी गम नहीं। Thank you.
जागो कापालिक, बुला दे एक बार उसे, आखिरी बार बुला दे, मेरी कामना पूरी कर दे। आज के बाद मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, मेरे सामने एक बार ला दे उसे, मेरे पास एक बार ला दे। आज तेरा मेरा फैसला होकर रहेगा। नेताजी की, 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 नेताजी की। जय हिंद ठाकुर साहब। धन्यवाद, नमस्कार। और सब ठीक है? चलिए। हाँ जी, पुलिस के इतिहास में मानवगढ़ के पुलिस स्टेशन का एक विशेष स्थान रहा है और इसे बनाने में स्वतंत्रता सेनानी मास्टर दीनानाथ का बहुत बड़ा हाथ रहा है और उन्हीं के प्रयासों से इस गांव में तिरंगा लहराने लगा है। मास्टर दीनानाथ जी आजादी की लड़ाई की वो मिसाल हैं जिसे हिंदुस्तान कभी भूला नहीं सकता। आज उन्हीं की याद को अमर करने के लिए गांव में उनकी मूर्ति लगाई जा रही है ताकि आने वाली पीढ़ी उनके आदर्शों से कुछ सीख सके। वैसे मंत्री और भाषण का जन्म जन्म का साथ है, पर मैं आज भाषण न देकर ठाकुर साहब से प्रार्थना करता हूं कि वे पूज्य दीनानाथ जी की मूर्ति का अनावरण करें। आइए। मास्टर दीनानाथ की जय। मास्टर दीनानाथ की जय। मास्टर दीनानाथ की जय। ठाकुर साहब, रुक जा ठाकुर, मेरे बाप की मूर्ति को अपने गंदे हाथ लगाने से पहले एक बार इधर भी देख ले। चंदा, हो सकता है तुझे अपने बेटे की भी एक मूर्ति बनानी पड़े। तू अभी तक जिंदा है, लगता है तेरी मौत मेरी यहाँ तो होगी। इसका फैसला तो वक्त करेगा, ये मत भूल तेरे दोनों बेटे मेरे हाथ ऐसी मौत मरे हैं कि तू शायद उनका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाया होगा। टीआई जी साहब कुछ करिए, मेरे बेटे को इसने पकड़ कर रखा है। ठाकुर साहब, हमारे कमांडो अभी घेरे डाल लेते हैं। कमांडोस, टेक पोजीशन। खबरदार, कोई आगे बढ़ा तो मैं इसे गोली मार दूंगी। अब क्यों डर रहा है ठाकुर? मास्टर दीनानाथ जी की मौत पे तो बड़े मगरमच्छिया सुबह आए थे, अब तेरी जबान क्यों लटखड़ा रही है? बोल डीआई जी के सामने उनको किसने मारा था, वरना इसकी तो मैं खोपड़ी उड़ा दूंगी। हाँ, बोल बोल ठाकुर बोल, वरना तेरे तेरे इस लड़के की भी धज्जियां उड़ जाएंगी। दीनानाथ जी को किसने मारा था, बोल ठाकुर बोल। मैंने ही मारा था मास्टर दीनानाथ को। सुन रहे डीआईजी साहब, मेरी माँ को, इंस्पेक्टर अमर को, पुजारी काका को और इसकी बेटी मीरा को मारने वाला यही ठाकुर है। बोल ठाकुर बोल, तैयार चलाओ गोली। नहीं, मैंने मारा सबको। मेरे प्यार को, मेरे सूरज को तूने ही अस्त किया था ना ठाकुर, ताकि मेरी जिंदगी में अंधेरा हो जाए। अब क्यों नहीं बोलता, तेरी जबान में कीड़े पड़े क्या? हाँ, मैंने ही मारा था, लेकिन अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो ठाकुर साहब को। खबरदार, अगर किसी ने ठाकुर साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इन दोनों को गोली से मार दूंगा। वाह, बहुत खूब,
बहुत मजा आया ये नौटंकी देखकर। ठाकुर साहब। एआई जी चुपचाप खड़े रहो, ये लड़ाई मेरे और चंदा के बीच में है, तुम सिर्फ तमाशा देखो तमाशा। ए छोरे वो खिलौना फेंक दे वरना ये दोनों मुफ्त में मारे जाएंगे। नहीं ठाकुर, हमारी लड़ाई में इन्हें बीच में मत लाओ। हर महाभारत में एक शिखंडी होता है छोकरी। उसी महाभारत में एक दुशासन भी था जिसके खून से द्रौपदी ने अपने बाल धोए थे। चलिए भागिए छोटी सरकार, चलिए भागिए छोटी सरकार, छोटी सरकार। ठाकुर साहब क्या है रे, ये तो मर चुके हैं। क्या ये लाश है इनकी? नहीं, आगे हार गई। मैंने जो कुछ किया गलत किया। ये माया जाल, ये तंत्र विद्या, ये जादू टोना, ये सब कुछ गलत है। ये सब अंधविश्वास है। ये सब मैंने क्यों किया मैं नहीं जानती। मैंने शायद इसलिए किया कि लोग मुझे इज्जत दें, मगर ये सब बातें गलत होती है। सबसे बड़ा सिर्फ
ऊपर वाला होता है जिस पर तुमने भरोसा किया है। इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ तुमसे एक बार मैं सिर्फ चाहती हूँ मैं ऊपर वाले से हाथ जोड़कर माफी मांग लूं। ये जादू टोना, ये माया जाल, इन सब चीजों पर जो लोग विश्वास करते हैं उन्हें सही रास्ता दिखा देना। मुझे देखकर वो लोग सबक सीख ले कि ये चीजें गलत है। सबसे बड़ा सिर्फ ऊपर वाला होता है। अब दरिया में वही है, न्यायाधीश वही है। हे ऊपर वाले, मैं तुम्हारी बच्ची हूँ। मुझे 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 माफ कर देना। बाबू, बाबू। देखो गांव वालों, देखो ये मौत का नजारा देखो। ठाकुर शमशेर सिंह शेर को भी पालतू बनाता है, फिर इस जहरीली नागिन के औकात ही क्या है। देखो 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 कैसे बल खा रही है। जा जा जा, मरने से पहले अपने बाप के दर्शन तो कर ले। तेरा बाप तो स्वतंत्रता सेनानी था, उसकी तो मूर्ति भी लग गई, लेकिन तेरे मरने पर इस गांव में कोई आंसू नहीं बहेगा, कोई नहीं। जा जा जा। बाबू, बाबू, बाबू तुम्हारी इज्जत हार गई, हार गई। बाबू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर सकी। चंदा,